नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में डीआईजी सहित कमिश्नर ने किया वृक्षारोपण। पुलिस कार्यालय बस्ती परिसर में मंडलायुक्त बस्ती श्री अनिल कुमार सागर, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिच्छेद बस्ती श्री आशुतोष कुमार, पुलिस अध्यक्ष बस्ती श्री पंकज कुमार, अपर पुलिस अध्यक्ष बस्ती श्री पंकज, समस्त क्षेत्र अधिकारीगण द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यालय परिसर में कमिश्नर श्री अनिल सागर जी तथा पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष कुमार, पुलिस अध्यक्ष श्री पंकज पांडे, योग सभी सर्किल के क्षेत्र अधिकारी सहित तमाम कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पर किस लिए आज किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? ये पुलिस ऑफिस का ब्यूटिफिकेशन कराया जा रहा है और ये प्रदेश सरकार के निर्देश भी हैं कि जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर जितनी भी जगह हुई है वहाँ पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाए। हम जानते ही हैं कि सौंदर्यीकरण कराने से और इस तरह के कार्य कराने से लोगों में संदेश भी जाता है और कार्यालय भी अच्छे लगे, हम इसी कारण मशीन कर। सर, काफ़ी संख्या में पेड़ तो लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि उनके रख रखाव की होती है। इसमें वो पेड़ सूख जाते हैं, मतलब नहीं किस तरीके से वो पेड़ भी बचे रहे, इस बारे में किस तरीके से प्रयास हो रहा है? प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें ये कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट्स पेड़ लगा रहे हैं अपने स्तर के संसाधनों से उनका रख रखाव तो डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे अगर वन विभाग ने कुछ पेड़ लगाए हैं तो वहाँ पर कुछ चौकीदारों की नियुक्ति की जाएगी और उनका पेमेंट भी किया जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने पेड़ लगाए हैं उनको उनका रखा उन्हें स्वयं करना पड़ेगा क्योंकि वे उनके परिसर के अंदर ही हैं। इसके अलावा भी वृक्षारोपण अभियान के दौरान ऐसे लोगों का चयन किया गया था जिनको किसान सम्मान निधि में लाभ मिला है, जिनको शौचालय योजना का लाभ मिला है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और इन लाभार्थियों को पेड़ दिए गए थे। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी भी दी गई थी कि जो पेड़ लाभार्थी को दिए जा रहे हैं उनकी देखभाल लाभार्थी स्वयं करें।